आंसर की मिला क्या? चलो रेडी हो जाओ आंसर की के लिए। कहाँ लगाऊं? चालू हुआ ना उधर कल्पेश जी? चालू हुआ इधर? आवाज जा रही है ना? आ जाओ बेटा। चलो नोट करो बेटा, वन का सी फॉर कैट, टू का ए फॉर एप्पल, थ्री का बी फॉर बॉल, फोर का डॉग, फाइव का डॉग, सिक्स का बॉल, सेवन का ए, एट का डॉग, नाइन का बॉल, टेन का डॉग, इलेवन का ए, ट्वेल्व का डॉग, थर्टीन का सी, फोर्टीन का बॉल, फिफ्टीन का बॉल, सिक्सटीन का सी, सेवनटीन का ए, एटीन का सी, नाइनटीन का सी, ट्वेंटी का ए, ट्वेंटी वन का ए, ट्वेंटी का ए हुआ, ट्वेंटी वन का ए, ट्वेंटी टू का सी, ट्वेंटी थ्री का ए, ट्वेंटी फोर का डॉग, ट्वेंटी फाइव का ए, ट्वेंटी सिक्स का बॉल, ट्वेंटी सेवन का बॉल, ट्वेंटी एट का बॉल, ट्वेंटी नाइन का सी, थर्टी का डॉग, थर्टी वन का सी, थर्टी टू का ए, थर्टी थ्री का ए, थर्टी फोर का ए, थर्टी फाइव का ए, थर्टी सिक्स का डॉग, थर्टी सेवन का ए, थर्टी एट का ए, थर्टी नाइन का डॉग, फोर्टी का ए, फोर्टी वन का सी, फोर्टी टू का बॉल, फोर्टी थ्री का सी, फोर्टी फोर का डॉग, फोर्टी फाइव का सी। चलो शुरू करें। वन टू फाइव, वन टू फाइव, वन टू फाइव, फोर्थ। इफ द अर्थ इज वन फोर्थ ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी चेंज्ड टू। ठीक है, अभी मान लो ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच की दूरी क्या है? आर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कितने समय में घूमता है बताओ अर्थ हमारा नॉर्मली? वन ईयर में, है ना? तो हमने क्या पढ़ा है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो वन ईयर का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब बोलता है कि अगर हमने इस दूरी को क्या कर दिया, प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन वन फोर्थ, आर को क्या बना दें, आर बाय फोर बना दें, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, नया टाइम पीरियड टी मान लिया बेटा। अब आर कितना हो गया, आर बाय फोर का क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, है ना? डिवाइड कर लो दोनों को, क्या कटेगा बेटा, ये आर और ये आर कट गया। वन ईयर बाय टी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा बताओ, वन बाय सिक्सटी फोर, चार चौक सोलह चौके चौसठ, यानी सिक्सटी फोर। आया क्या समझ में बोलो? तो क्या आया बेटा, वन ईयर बाय टी इक्वल्स टू, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, रूट सिक्सटी फोर, क्या बाहर आया, एट, तो टी बराबर क्या आया बेटा, वन बाय एट ईयर। तो अब कितने समय लगेंगे उसको एक चक्कर पूरा करने में, वन बाय एट ईयर, समझ गए क्या, वन बाय एट ऑफ द प्रेजेंट ईयर। कौन सा आया बेटा फोर्थ का, डी बताया मैंने। तो ये पूछ क्या रहा है आपसे, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी चेंज्ड टू,
ये चेंज्ड टू बोला है ना, अगर मतलब डिफरेंस देखना है तो पहले 1 ईयर था, अब कितना हो गया 1/8 ईयर है ना, तो डिफरेंस कितना हुआ 1 माइनस 1/8 करोगे तो क्या आएगा 7/8 ईयर। लेकिन जो क्वेश्चन बोला है द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी चेंज्ड टू, टू बोला है तो यही करेक्ट आंसर होगा। चेंज्ड बाय बोलता तो हम डिफरेंस करते, ठीक है। अगर डी लिखा है, डी दिया है तो रॉन्ग है ना, डी बोला मैंने। फोर्थ ना, फोर्थ का डी दिया है, ठीक है, तो वो डिफरेंस निकाला है चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। लेकिन टू बोला है तो क्या निकालना चाहिए हमें बताओ, जो हो गया समझ गए। आगे बोलो बेटा, 5 to 10, 5 to 10 बोलो बच्चे, 10 to 15, 10 to 15, 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसमें, द करेक्ट रिलेशन फॉर द डिपेंडेंस ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द एंगल एट द लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशन। तो हमने क्या पढ़ा है, जी बराबर जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा है ना, पढ़ा है कि नहीं, तो बताओ चेंज कितना हुआ, ये इधर आ जाएगा, तो जी माइनस जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, तो यही तो हुआ चेंज, तो डेल जी है ना इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, लेमडा किसको लो, फाई लो है ना, आपको एंगल ऑफ लैटिट्यूड को क्या लेने बोलता है, फाई, और उस पर आपका डिपेंडेंसी पूछता है कि चेंज इन जी में, चेंज इन जी का डिपेंडेंसी फाई पर क्या होगा, तो क्या दिख रहा है आपको, डेल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ऑफ फाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है ना, डेल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर फाई। 15 to 20, 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, कि टू स्मॉल एंड हैवी स्फीयर्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड डिस्टेंस आर अपार्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, ऐसे दो बॉडी है, हर एक का मास क्या है कैपिटल एम और कैपिटल एम, और इनके बीच की दूरी क्या है बेटा स्मॉल आर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फेयर है ना, इसके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था फॉर्मूला बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है ना, तो यहाँ से दूरी क्या हो गई R/2, यहाँ से क्या हो गई R/2, बेशरम कहीं की है इतना इजी, तो क्या हो गया माइनस जी एम बाई आर, आर कितना हो गया R/2 है ना, ये भी कितना हो जाएगा माइनस जी एम आर, आर कितना हो गया R/2 यानी 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया माइनस 4 gm/r, नहीं समझा कितना आ गया माइनस 4 gm/r, कौन सा आया बेटा ऑप्शन नंबर डी, क्या था इसमें, और बोलो, और बोलो 20 तक, 20 तक, 20 to 25, 20 to 25, 20 to 25, 20 का ऑप्शन क्या बताया था, 20 का क्या बताया था, पूछ लो आजू बाजू से, 20 to 25, 25 to 30, 25 to 30, 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, थ्री यूनिफॉर्म स्फेयर्स विथ मासेस एम ए 350 kg, एम बी 2000 kg एंड एम सी 500 kg है ना, वो ऐसे रखे हुए हैं, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो मतलब एक ओरिजिन पे है, कौन ए, एम ए कितना 350 kg, ठीक है, और दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है -80 0, -80 किधर आएगा बेटा इस तरफ है ना, तो इस तरफ है आपका कितना 2000 kg, 2000 kg एम बी,
और तीसरे का क्या है 40 जीरो, तो 40 जीरो कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया 40 पर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये सब है ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना है यहां पर 500 केजी, एमसी बराबर 500 केजी, समझ गए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम एंड इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इफ द स्फीयर ऑफ मास एम बी इज रिमूव्ड मे बी गिवन एज, ठीक है। तो बताओ अभी इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या बोला था, एक पेयर इसमें बनेगा, एक पेयर इसके बीच बनेगा और एक पेयर इसके बीच बनेगा, तो अभी इसमें कितना टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, तो यू वन बराबर इसके इसके बीच में बताओ माइनस जी एम ए एम बी बाय आर, आर कितना बेटा 80 सेंटीमीटर यानी 0.8, समझ गए। फिर इसके इसके बीच में कितना यू टू सॉरी प्लस कर लूँ यानी माइनस कर लूँ जी एम ए एम सी अपॉन इसके बीच का कितना है 0.4, और इसके इसके बीच में माइनस जी एम बी एम सी अपॉन उधर 40 और इधर 80 कितना हो गया 120 यानी 1.2, तो ये हो गया टोटल। आगे बात समझ में, अब बोलता है इसमें से मैं क्या कर लूं, इफ द स्फीयर ऑफ मास एम बी इज रिमूव्ड, ठीक है एम बी को रिमूव कर लिया, कौन है एम बी, इसको हटा लिया, इसको हटा लूंगा तो अब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इसके बीच में बचेगा, नहीं समझा, तो यू टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस जी एम ए एम सी अपॉन 0.4 यू टू, तो ये इनिशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी कितना चेंज हुआ देखो, तो डेल यू, तो डेल यू बराबर क्या हो गया यू टू माइनस यू वन, तो यू टू कितना था माइनस जी एम ए एम सी अपॉन 0.4 माइनस क्या हो जाएगा ये पूरा चीज है ना, तो माइनस सब ये माइनस सबको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो मैं प्लस लिखता हूँ, क्या बचा जी एम ए एम बी बाय 0.8 प्लस जी एम ए एम सी बाय 0.4 प्लस जी एम बी एम सी बाय 1.2, ठीक है क्या कट रहा है देखो, ये माइनस जी एम ए एम सी बाय 0.4 और ये प्लस जी एम ए एम सी बाय 0.4 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या जी एम ए एम बी बाय 0.8 प्लस जी एम बी एम सी बाय 1.2, है ना, इसमें से भी क्या कॉमन ले सकते हो, जी कॉमन ले सकते हो और एम बी कॉमन ले सकते हो, जी एम बी कॉमन हो गया और 0.4 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है क्या बचा यहाँ पर बचा एम ए बाय 2 प्लस यहाँ क्या कॉमन बचा एम सी बाय 0.4 ले लोगे तो क्या बचेगा 3, सिंप्लीफाई कर लो, करोगे आगे का काम है ना, तो देखो प्लस में आया ना, प्लस में आया मतलब माइनस करने पे मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करने पर देखो क्या आया, सारी चीजें प्लस आई ना, तो बढ़ा कि घटा, प्लस कब आएगा चेंज पॉजिटिव कब होगा जब बढ़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं, मैं बोलता हूँ 50 थे आपके पास 100 हो गए तो चेंज करोगे तो क्या आएगा, चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 50 प्लस 50 आए, बढ़ा था इसलिए ना, अगर मैं बोलता अभी 100 है और बाद में 50 हो गया अब डिफरेंस करने बोलूंगा तो 50 माइनस 100 क्योंकि फाइनल क्या हुआ 50, ठीक है, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और ऐसा करने पर प्लस आया तो इंक्रीज हुआ, माइनस किया तो माइनस आया तो डिक्रीज हुआ, देखो क्या आ रहा है सॉल्व करके, ठीक है कर लोगे सॉल्व, कैलकुलेशन कर लोगे ना, ठीक है कैलकुलेशन कर लेना। आगे बोलो 30 टू 35 32 है ना, 32 पूछ रही ना, इसको मिटाऊं, चलो 32 क्वेश्चन नंबर 32
The ratio between the values of acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above and at a depth 1 kilometer. तो g on height और g on depth का ratio चाहिए, ठीक है? और surface is. तो हमने क्या पढ़ा है? क्या होता है? g on height का g into 1 minus 2h by r 1 kilometer है, small distance है ना? और इसका क्या होता है? g into 1 minus d by r ये होता है ratio, ये और ये cancel हो गया, ठीक है? तो 1 minus 2 1 माइनस 2 और h कितना है 1 किलोमीटर तो 1 बाय r ठीक है 1 माइनस 2 बाय r बच गया और इधर क्या बच गया 1 माइनस 1 बाय r ठीक है क्या हो जाएगा बेटा r माइनस 2 बाय r और r माइनस 1 बाय r r r कैंसिल हुआ r माइनस 2 बाय r माइनस 1 है ना कौन सा आया बच्चे फर्स्ट ऑप्शन 35 तक और बोलो 35 तक और बोलो 35 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 ए स्फेरिकल प्लैनेट हैज अ मास एमपी एंड डायमीटर डीपी है ना ये प्लैनेट है इसका मास एमपी है और इसका डायमीटर डीपी है ए पार्टिकल ऑफ मास एम फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर कोई पार्टिकल है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी निकालना है तो जी क्या होता था जी एम बाय आर स्क्वायर है ना किसका प्लैनेट का तो g m p अपॉन रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा तो dp by 2 का होल स्क्वायर क्या ही करते हो तुम लोग हैं dp का स्क्वायर by 4 4 कहां चला जाएगा ऊपर तो क्या हो गया 4 g m p है ना कौन सा हो गया 4 g m p by dp का स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए क्लियर है 35 तक हो गया 35 टू 40 37 क्वेश्चन नंबर 37 सी क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज लीनियरली सॉरी इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस ठीक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा है inversely proportional to r का पावर n then the time period of planet in circular orbit r होगा क्या होगा ठीक है तो भैया फोर्स इतना लग गया तो मान लो इक्वालिटी का साइन दिया कोई मुझे कांस्टेंट देना पड़ेगा r raised to n ये हो गया इक्वेशन 1 तो बताओ जब कोई चीज घूमता है बेटा है ना तो घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है यही ग्रेविटेशनल फोर्स देता है ना तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा k by r raise to n का हो जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mb स्क्वायर by r होता है कि नहीं अरे बात समझ में आ रही क्या तो बताओ यहां से आपको v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा k by m और r by r n बोलो समझ आया तो k by m इसको क्या लिख सकता हूं r का पावर 1 minus n है ना v स्क्वायर बराबर तो देयरफॉर v बराबर क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट k by m r का पावर 1 minus n समझा ना ठीक है तो v ओनली किसके प्रोपोर्शनल होगा ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो v क्या हुआ स्क्वायर रूट r का पावर 1 minus n ठीक है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर रूट का मतलब क्या होता है बेटा पावर डिवाइड बाय 2 समझ गए तो ये हो गया 1 minus n by 2 ये v हो गया अब बताओ टाइम पीरियड मतलब क्या होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय एक चक्कर कितने कितना डिस्टेंस का होगा 2 pi r बोलो और टाइम कैसे निकालते हो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके स्पीड v बोलो आ रहा है समझ में तो t बराबर क्या हो गया है ना तो t प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके 2 pi कांस्टेंट है r by v के तो t proportional to r by v
और देखो v किसके प्रोपोर्शनल था बेटा, r का पावर 1 माइनस n बाई 2, तो t प्रोपोर्शनल टू हो गया r का पावर, यहां पर क्या था 1 माइनस n बाई 2, सिंप्लीफाई इट, ठीक है, तो क्या हो गया t प्रोपोर्शनल टू r का पावर 2 माइनस 1 प्लस n बाय 2, तो t प्रोपोर्शनल टू r का पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया भाई 1 प्लस n बाय 2 विच इज ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ना, आई बात समझ में। नेक्स्ट बोलो 40 क्वेश्चन नंबर 40 इरेज कर दूं, तुम लोग कोई लिखते नहीं हो ना, वाह गजब शाबाश, तुम लोग को लिखने की क्या जरूरत है, ये जो पढ़ रहे हो ना आज इसका अगले दिन कोई यूज ही नहीं है, ये दोबारा थोड़ी आने वाला है तुमको, है ना, शाबाश, नाम करोगे तुम लोग अपना, ग्रेट, क्या स्टूडेंट्स लोगों से पाला पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, द फिगर शोज अ स्फेरिकल होलो इनसाइड अ लेड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द सरफेस ऑफ द होलो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड टचेस द राइट साइड ऑफ द स्फीयर, द मास ऑफ द स्फीयर बिफोर होलोइंग वाज कैपिटल एम, जब ये कंप्लीट था तो इसका मास क्या था, कैपिटल एम था, और इसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर था। अब इसमें क्या किया, एक कैविटी काटा ऐसा, उस कैविटी में है ना का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा कैविटी का। विथ व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स डज द होलो आउट लेड स्फीयर, ब्लर दिख रहा है अभी, अभी देखो ठीक है, उधर नहीं लिखो, इसको लगा दो जरा, लाइट जलाओ, तो लाइट ऑन करो, सारा लाइट ऑन कर दो, इसको बंद कर दो, अभी ठीक है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो बोलता है कि विथ व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स डज द हॉलोड आउट लेड स्फीयर अट्रैक्ट अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m दैट लाइज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेड स्फीयर, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर है ना, इस लाइन पर कोई d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर क्या रखा हुआ है, एक मास m रखा हुआ है, उसको कितना फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, कौन कौन जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट कितना है, इतना है बचा पार्ट, ठीक है, इस पार्ट के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कंप्लीट स्फीयर के कारण इस पर फोर्स लगा निकालेंगे, तो कंप्लीट स्फीयर के कारण मैंने बोला था अगर ये कंप्लीट है तो उसको आप क्या मान सकते हो, पॉइंट मास मान सकते हो, कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड, तो एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, उसके बीच की दूरी इतनी हो गई, तो बताओ कितना फोर्स लगाएगा, F बराबर बोलो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया टोटल के कारण, तो ये हुआ F टोटल, समझ गए क्या, अच्छे से समझा, अच्छा अभी ये जो है सॉलिड स्फीयर जब था है ना, तो सॉलिड स्फीयर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, रो, रो बराबर कितना होगा m बाय 4 बाय 3 पाई r क्यूब, समझ गए, तो ये जो कैविटी है इस कैविटी का मास कितना होगा, तो कैविटी का मास मान लो मैंने बोला m डैश, तो m डैश बराबर क्या होगा, मतलब कैविटी कैसे बना, यहां से मास को हटाने के कारण बना है ना, तो इसमें कितना मास हटाना पड़ा होगा, तो लेट इट बी m डैश, कैसे निकलेगा बेटा, रो इनटू वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना है 4 बाय 3 पाई, इसका रेडियस कितना है r बाय 2 का होल क्यूब,
और ये कितना था m by 4 by 3 pi r cube into 4 by 3 pi r cube by 8, तो ये पूरा कट गया बेटा, क्या आया m by 8, समझ गए क्या? तो कैविटी इस पर कितना फोर्स लगाया होगा सोचो, तो कैविटी भी तो यूनिफॉर्म रहा होगा ना, मतलब जब ये रहा होगा तो ये भी तो यूनिफॉर्म था ना, इसको भी एक स्फेयर मान सकते हैं ना, इस स्फेयर के लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, इस मास को m डैश को कहां मान सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो ये कितना फोर्स लगाता इस पे, ये कितना फोर्स लगाता, तो यहां से देख लेंगे भैया है ना, कितना ये दूरी कितनी हुई बताओ, ये टोटल कितना था d, ये कितना है r by 2, तो बचा कितना d minus r by 2 बचा कि नहीं, तो कितना फोर्स लगाएगा बेटा f due to cavity, capital g capital m dash है ना, इसका मास लेना है m dash और इसका मास small m, और दूरी कितनी बची d minus r by 2 का d minus r by 2 का whole square, तो आप सोचो टोटल था तो इतना लगा रहा था, कैविटी कितना लगाता, इतना लगाता, लेकिन कैविटी क्या हो गया है, चला गया है, तो कैविटी के कारण फोर्स को क्या कर लूं, माइनस कर लूं है ना, टोटल में से कैविटी का फोर्स हटा दूंगा तो रिमेनिंग का बचेगा है ना, तो एफ रिमेनिंग जो होगा, एफ रिमेनिंग जो होगा वो कैसे निकलेगा, एफ टोटल के कारण माइनस एफ कैविटी के कारण, ठीक है, तो एफ टोटल देखो कितना था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर, और कैविटी कितना आया है, अच्छा m डैश कितना था बेटा m by 8 है ना, तो इसके बदले क्या रख लो m by 8, तो क्या हो गया कैपिटल g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन 8 into d minus r by 2 का होल स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द रिमेनिंग स्फीयर, ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सिंपलीफाई करना है और अरेंज करके इसमें लाना है, समझ गए क्या, क्या कॉमन आ रहा है देखो, तो g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, यहां पर 1 बचेगा माइनस, यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा 8, इसमें से डी क्या लेना पड़ेगा कॉमन है ना, तो डी कॉमन लेगो तो क्या बचेगा बेटा 1 माइनस आर बाय 2 डी का होल स्क्वायर, ठीक है, कौन सा आ रहा है देखो 1 माइनस 1 बाय 8 इंटू 1 माइनस आर बाय 2 डी का स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या दिया है इसका 40 का, हाँ समझ आया, ठीक है, और बोलो 42 45 नन, बाजू क्लास में किसी को डाउट रह गया हो तो आके बोल सकते हो, बच्चे किसी को डाउट है कि खत्म करूं, बाजू क्लास में एनीवन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ बैठोगे उधर बैठोगे, एक ही है ओनली 14, और है ठीक है, तो बैठ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 14 1 4, क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एट अ हाइट h, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये मान लो सरफेस ऑफ अर्थ है, इसका रेडियस क्या है r, उससे कहां जाना है h, ऊपर जाना है ना, वहां पर एक पार्टिकल है मास m का है ना, वहां पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहां से हाइट क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, अच्छा ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या था, माइनस जी एम बाय आर, और आर कितना हो जाएगा आर प्लस एच है ना, आर प्लस एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम एट अ हाइट एच,
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर मैं माइनस जी एम अपॉन यहां से आर कॉमन ले लूं, ठीक है, यहां से अगर मैं आर कॉमन ले लूं, नहीं ठीक है, माइनस जी एम बाय आर प्लस एच, ये आया आपका क्या आया, वी आया, यानी पोटेंशियल आया। आगे इतनी बात समझ में। यहां पर जी निकालोगे तो कैसे, जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, जी एम बाय आर स्क्वेयर। आर कितना है यहां से यहां तक, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वेयर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। v इक्वल्स टू इतना आया और g इक्वल टू इतना आया, तो यहां से मैं क्या कर लूं, क्या रिप्लेस कर लूं, gm के बदले में क्या रख सकता हूं, देखो तो gm बराबर g इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर रख सकता हूं, तो यहां रख लो माइनस gm बाय आर प्लस एच है, उसमें से gm के बदले g इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा, माइनस जी इंटू आर प्लस एच। नहीं समझा, समझा कौन सा सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्या आया है, नहीं माइनस तो किसी हालत में नहीं हो सकता, कौन सा था, 14 देखो यहां पर क्या है, एच इसने स्पेसिफाई थोड़ी किया है कि जो है स्मॉल हाइट है, स्मॉल हाइट होती तो हम अप्रोक्सीमेशन लेते, दो फॉर्मूले बताए थे ना मैंने जी के एक क्या बताया था, ये वाला है ना, और दूसरा क्या बताया था, जी बराबर जी ऑन हाइट बराबर जी इंटू वन माइनस टू एच बाय आर, ऐसा आया था ना, तो मैं अगर ये यूज करूंगा तो वो सेकंड जो फर्स्ट वाला है वो आएगा, मतलब सेकंड वाला आएगा, लेकिन कायदे से इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एच इज वेरी स्मॉल, समझ में आया क्या, नहीं समझा, अगर ये मैं यूज करूंगा तो अलग आएगा, ठीक। आगे बोलो, हाँ क्या बोल रहा था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन यूज किया, लेकिन यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला है, गिवन होना चाहिए कि H is much much less than R। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ गिवन रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E इक्वल टू 4i प्लस j कैप, वर्क डन बाय दिस फील्ड इज जीरो when a particle is moved along the line, यहां पर कुछ lines दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें एक काम करो, 4i plus j cap, four एंगल ई डॉट डी आर, इसमें ना चारों ऑप्शन आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, y प्लस 4x बराबर 2, इसको पहले
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओ, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 - 4x, है ना। तो y बराबर क्या हुआ, -4x + 2। ओके, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया। अगर आप इसको क्या दिया है इसका आंसर, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक ही ट्राई करके समझाता हूँ, इसमें आपको चारों ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक ट्राई करके दिखाता हूँ मैं। तो y बराबर क्या है, -4x + 2, और इधर देखो इसको ग्राफ बनाऊंगा तो बताओ, याद करो मैंने क्या बोला था, y इक्वल्स टू mx + c, है ना। ये क्या बताता है बेटा, इंटरसेप्ट कहाँ पर है, देखो 2 पर है। इंटरसेप्ट कभी निकलता है जब x 0 होता है, x 0 है तो उस समय y की वैल्यू क्या है, 2 है। आ गई बात समझ में। फिर क्या होगा, देखो ये m की जगह पर क्या है, -4। m क्या था बेटा, स्लोप। स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम बनाता था, और नेगेटिव होता था तो x के साथ उससे बड़ा बनाता था। तो ये इस तरीके का स्लोप बनेगा, देखो इसके साथ 90 से बड़ा एंगल बनाया ना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, समझ गए। तो यहां पर आपका क्या था, 2 था। सोचो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा आपका, तो यहां पर जब जाओगे तो y आपका 0 हो जाएगा, रखो तो y बराबर 0, तो देखो क्या हो जाएगा, 4x = 2, तो 2/4 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। आया क्या समझ में। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 1/2, यानी 0.50, समझते हो, क्लियर। अब देखो इसमें था कि इसमें था, समझ गए इतनी बात। तो देखो क्या होता है, मास भी दिवन गिवन है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इज डन बाय दिस फील्ड इज 0 व्हेन, तो मान लो कोई मास m है, तो मैंने क्या बताया था बेटा बताओ, तो फील्ड बराबर क्या होता था, फोर्स पर यूनिट मास, है ना। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, m इनटू e, आगे बात समझ में। तो देखो फोर्स कितना हो जाएगा, मास m मान लिया, और फील्ड देखो कितना था, 4i cap + j cap, तो इतना क्या हो गया हमारा, फोर्स हो गया। वर्क डन बताओ क्या होता था बेटा, F.dr होता था, वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो m इनटू 4i cap + j cap डॉट, ठीक है। dr को क्या लिख सकता हूं मैं, dx i cap + dy j cap, है ना, बोलो। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा m i वाला i के साथ डॉट होता है, होता है क्या हो गया, 4 dx, और j वाला j के साथ क्या हो जाएगा, dy। आई बात समझ में, क्लियर है। तो देखो ये इतना आ गया, ये क्या निकला, छोटा सा वर्क डन निकला। हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर m मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पर दो पार्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 dx, और क्या हो जाएगा, dy। अब देखो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां पर x कितना था बेटा, पहले 0, फिर क्या हुआ, 0.5, है ना। तो ये हो गया 0 से, सॉरी इसका लिमिट क्या होगा, 0 से 0.5 यानी 1/2। और y कहां से कहां तक, y पहले कितना था, 2, अब क्या हो गया, 0, तो 2 से 0, 2 से 0। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन बताओ, बोलो जल्दी, 4 × 1 है, तो क्या हो जाएगा, x 0 से 1/2, फिर प्लस ये इसका क्या हो जाएगा, y 2 से 0, समझ गए। तो फिर आया हमारे पास टोटल वर्क डन बराबर m इंटू, रखो लिमिट, 4 × 1/2 - 0, 1/2 हो जाएगा, और प्लस 0 - 2, क्या हो जाएगा, -2, तो ऐसा हो गया, देखो 2 2, तो m इंटू 2 - 2, 0, m इंटू 0, क्या हो गया, 0, आया ना वर्क डन, 0, आया समझ में। एग्जाम में अगर इसको सॉल्व करने का ऑप्शन मिला तो क्या बोल रहे हो, एग्जाम में अगर सॉल्व करना है हर एक ऑप्शन के लिए, एक आध दो क्वेश्चन तो रहते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है, 45 में से एक दो क्वेश्चन तो रहेंगे थोड़े से,
बोलो और बोलो बेटा और बोलो। ठीक है बताऊंगा वो भी। हाँ छोड़ दे 5 मिनट क्या बोल रहे हो? ये +2 आएगा क्यों? यहाँ +0 -2 0 -2 प्लस माइनस क्या हुआ नहीं समझा है? प्लस है ना। अरे ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ दो 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 इंटीग्रेशन है ना, इसके लिए फिर अपर और लोअर होगा ना। तुम इसको अपर इसको लोअर समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक इंटीग्रेशन है, ये अलग इंटीग्रेशन है। इसका हम यहाँ कर रहे हैं, इसका यहाँ कर रहे हैं। आगे यहाँ पर हमने लिमिट रखा है प्लस और माइनस, सॉरी इसका 4 × 1/2 -0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर 0 - 2 तो मैंने 0 नहीं लिखा। समझ गया? और बोलो। ठीक है और बोलो। इसका बताता हूँ दूसरा मेथड कल। ठीक है अभी हुआ और कुछ है? जल्दी बोलो एनीबडी। 1 6 कहाँ गया? हाँ 1 6 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है देखो। एक वायर है इस तरीके का, लेंथ उसका एल है, मास उसका एम है। तो बताओ इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लेमडा मास पर यूनिट लेंथ वाला। समझ गए? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये हो गया आपका इसका सेंटर। अपन क्या करेंगे इसमें, जैसा पहले किया करते थे, कई बार ऐसा कर चुके हैं है ना। आप क्या करो, थीटा एंगल पे जाओ, डी थीटा का एक एलिमेंट काटो है ना। इतना एलिमेंट काट लिया, बताओ इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसका रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है कहाँ गया? 16 ना, फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है तो नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं ना। बताओ ये लंबाई L है ना, मान लो इसका रेडियस R है, तो बताओ ये लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2 पाई R का आधा यानी पाई R, हाफ ऑफ द सेमी सर्कल पाई R। तो ये पाई R शुड बी इक्वल टू L, तो R बराबर क्या हो गया? L बाय पाई। तो हमारे पास रेडियस है तो ये d थीटा, ये r, तो बताओ ये लंबाई कितनी हो गई? r d थीटा। तो इसका मास निकल जाएगा हमें इस एलिमेंट का dm। बोलो लैम्डा पता होता है तो dm कैसे निकालते हो? लैम्डा इनटू dl करके। तो लैम्डा और dl कितना है? r d थीटा। तो लैम्डा r d थीटा इज dm है ना, ये इस एलिमेंट का मास आ गया। अब बताओ फील्ड कैसे निकाला? तो मैंने क्या बोला है आपको, जब आप एक एलिमेंट लेते हो दैट इज लाइक अ पॉइंट मास। ठीक है तो ये पॉइंट मास हो गया। पॉइंट मास की वजह से फील्ड कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला होता था बताओ? फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो, जी एम बाय आर स्क्वायर, एम कितना है डी एम, और आर कितना हुआ यहाँ से, यहाँ आर कैपिटल आर है ना, आर स्क्वायर। तो जी डी एम बाय आर स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन किधर होगा बताओ? डायरेक्शन क्या होता है हमेशा? अट्रैक्टिव। तो इस तरफ आया इसका डायरेक्शन। आगे बात समझ में? ठीक है तो ये जो है फील्ड का डायरेक्शन आया डी का, जो छोटा सा फील्ड बनेगा इसकी वजह से उसका डायरेक्शन आया इस तरफ डी ई। आगे बात समझ में? तो ये आ गया हमारा डी ई, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, जी बाय आर स्क्वायर, और डी एम कितना है देखो, डी एम लेमडा आर डी थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई? लेमडा आर डी थीटा, एक आर कट गया, क्या बचा? जी लेमडा बाय आर, जी लेमडा बाय आर डी थीटा। ओके जी लेमडा बाय आर डी थीटा। अब देखो इस डी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, इधर जाएगा क्या डी ई कॉस थीटा,
और इधर जाएगा क्या डी ई साइन थीटा जाएगा ना। सोचो अब जैसा यहां पर एलिमेंट है वैसा ही इधर भी एक एलिमेंट होगा, होगा कि नहीं भाई है? उसी तरीके से इसका भी क्या होगा एक फील्ड बनेगा, उसी तरीके से इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे ऐसा और ऐसा। तो सोचो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो जो भी आएगा कौन सा आएगा ऊपर वाला आएगा। तो ऊपर वाला सब एक दूसरे को क्या कर रहा है ऐड और इधर वाले सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल, तो नेट फील्ड क्या आएगा ऊपर की तरफ आएगा। तो अपने को क्या करना है इस वाले को इंटीग्रेट कर लेना है ऊपर वाले को, ठीक है। तो इसको जो आया है जी लेमडा डी थीटा बाय आर उसका ऊपर वाला कंपोनेंट बताओ क्या हो गया y बराबर जी लेमडा बाय आर डी थीटा कौन सा है साइन थीटा, नहीं समझा तो क्या हो गया बेटा जी लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, ठीक ये हो गया हमारा वाई एक्सिस का इसके कारण। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कहां से करेंगे सोचो, सबसे पहला एलिमेंट कहां बनेगा यहां और आखिरी एलिमेंट कहां बनेगा यहां, तो यहां पर रहोगे तो थीटा क्या होगा जीरो और जब यहां चले जाओगे तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर लोगे जीरो से लेकर के 180 डिग्री तक, बस इंटीग्रेट कर लो इसको तो आ जाएगा आपका फील्ड ई बराबर जी लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा जीरो से 180। तो जी लेमडा बाय आर बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का क्या होता था साइन थीटा का क्या होगा सॉरी कॉस थीटा का क्या होता था माइनस साइन थीटा का क्या होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा लिमिट जीरो से 180 डिग्री है। तो माइनस जी लेमडा बाय आर बाहर कर लिया मैंने कॉस थीटा जीरो से 180 डिग्री, तो माइनस जी लेमडा बाय आर कॉस 180 क्या होता है बेटा माइनस वन माइनस कॉस जीरो क्या होता है वन, तो क्या हो गया माइनस टू हो गया टू जी लेमडा बाय आर, टू जी लेमडा बाय आर, आर हमारा कितना आया था एल बाय पाई, ठीक है। तो टू जी लेमडा बाय एल बाय पाई, ठीक एल बाय पाई, और लेमडा कितना था एम बाय एल है ना, लेमडा कितना था एम बाय एल, तो टू जी पाई लेमडा की जगह एम बाय एल और एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, टू जी पाई एम बाय एल स्क्वायर कौन सा है देखो 2g pi m by l square direction किधर होगा देखो along y axis, तो which is the option option number c, ठीक है option number c understood। और किसी के पास है then ठीक है कल मिलते हैं फिर। आंसर की नहीं मिली है बेटा